हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन जानकारी वाली वीडियो में। हमेशा की तरह वापस आ गए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग ट्रेन जानकारी वाली वीडियो लेकर। और आज की हमारी ट्रेन होने वाली है 15715 किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दोस्तों ये ट्रेन बिहार राज्य के किशनगंज रेलवे स्टेशन से राजस्थान के अजमेर जंक्शन के बीच में चलती है। किशनगंज जिसका स्टेशन कोड है KNE और अजमेर जंक्शन का स्टेशन कोड है AII। दोस्तों इस ट्रेन का इनॉगुरल रन इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी बुधवार 4 जून 2008 को और दोस्तों तब से ये ट्रेन निरंतर अपनी सेवाएं देती आ रही है। तो आज की इस वीडियो में इसी ट्रेन से संबंधित आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, जैसे कि ट्रेन का रूट, स्टॉप, टाइम टेबल, कोच, किराया, लोकोमोटिव, इन जैसी तमाम जानकारी आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये ट्रेन हफ्ते के केवल 3 दिन चलती है, हर रविवार, हर मंगलवार और हर शुक्रवार को। आइए फटाफट इस ट्रेन के रूट मैप के बारे में आपको बता देते हैं। ये ट्रेन किशनगंज जंक्शन से चलने के बाद कटिहार जंक्शन, बरौनी जंक्शन, मऊ, अयोध्या कैंट, लखनऊ चारबाग, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, ओल्ड दिल्ली जंक्शन, दिल्ली कैंट, रेवाड़ी, अलवर, जयपुर के रास्ते ये ट्रेन अजमेर जंक्शन पहुंचती है। दोस्तों इस ट्रेन का रूट, स्टॉप और टाइम टेबल आगे मैंने वीडियो में डिटेल में बता रखा है, तो उसके लिए जरूर रुकिएगा। लेकिन आइए पहले ट्रेन के बेसिक डिटेल के बारे में आपको बता दें। किशनगंज से अजमेर जंक्शन तक 1838 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन 39 घंटे 40 मिनट में कवर करती है। इस दौरान ये ट्रेन 29 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए अजमेर जंक्शन पहुंचती है। ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की। दोस्तों ये एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे डिवीजन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों की सुविधाएं मिलती है। केटरिंग से संबंधित आपको थोड़ी सी जानकारी बता दें। दोस्तों इस ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन आप चाहें तो ऑन बोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा ले सकते हैं। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में। दोस्तों इस ट्रेन में ICF उत्कृष्ट लिवरी वाले कोचेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जनरल क्लास का 3 कोच रहता है, स्लीपर क्लास का 10 कोच रहता है, थर्ड एसी का 5 कोच रहता है और एक कोच में फर्स्ट और थर्ड एसी को मिलाकर रहता है। इस ट्रेन में सेकंड एसी का कोच नहीं रहता। लोकोमोटिव के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस ट्रेन में पूरी यात्रा के दौरान किशनगंज से अजमेर जंक्शन तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का यूज किया जाता है। ट्रेन का लोकोमोटिव कहीं भी चेंज नहीं होता और हमेशा इस ट्रेन का लोकोमोटिव WAP-5 रहता है, जो कि इस ट्रेन का ऑफिशियल लिंक है। दोस्तों इस ट्रेन का रेक रिवर्सल शाहगंज जंक्शन में होता है। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में। जो किराया मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंडियन रेलवे द्वारा अपडेट किया गया किराया है और ये किराया किशनगंज से अजमेर जंक्शन तक का पूरा किराया होने वाला है। जनरल क्लास का बेस फेयर रहता है ₹425, रिजर्वेशन चार्ज ₹15, इन सबको ऐड करके जनरल क्लास का टोटल किराया हो जाता है ₹440। स्लीपर क्लास का बेस फेयर रहता है ₹695, रिजर्वेशन चार्ज ₹20, इन सबको ऐड करके स्लीपर क्लास का टोटल किराया हो जाता है ₹715। थर्ड एसी का बेस फेयर रहता है ₹1769, रिजर्वेशन चार्ज ₹40, GST ₹91, इन सबको ऐड करके थर्ड एसी का टोटल किराया हो जाता है ₹1900। फर्स्ट एसी का बेस फेयर रहता है ₹4411, रिजर्वेशन चार्ज ₹40, GST ₹224, इन सबको ऐड करके फर्स्ट एसी का टोटल किराया हो जाता है ₹4695। दोस्तों ये सब जो किराया मैंने आपको बताया ये सब मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के द्वारा बताया है, लेकिन अगर आप इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो रिजर्वेशन काउंटर पर जरूर से चेक कर लें, क्योंकि इंडियन रेलवे अपने किराए में लगातार बदलाव करता रहता है। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के रूट, स्टॉप और टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों ये ट्रेन किशनगंज से रवाना होने के कम से कम आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर लग जाती है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से इस ट्रेन का डिपार्चर होता है। यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर टाइम है सुबह के 6 बजे का। दोस्तों टाइम टेबल के अलावा ये ट्रेन कौन से स्टेशन पर किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है ये भी मैंने बताया, लेकिन अगर आप इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो स्टेशन पर एक बार जरूर से चेक कर लें कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, क्योंकि कभी कभी बताया गया प्लेटफॉर्म अगर खाली नहीं रहता तो ट्रेन को किसी और प्लेटफॉर्म पर लगा दिया जाता है। ट्रेन का पहला स्टॉप है दालखोला स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 6:23 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 6:25 पे ऐसे रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। दूसरा स्टॉप है बरसोई जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 6:50 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 6:52 पे ऐसे रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। तीसरा स्टॉप है कटिहार जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 9 बजे पहुंचती है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर और 9:15 पे ऐसे रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। चौथा स्टॉप है नौगछिया स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 10:02 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 10:04 पे ऐसे रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। पांचवा स्टॉप है बेगूसराय। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 11:53 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 11:55 पे ऐसे रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। छठवा स्टॉप है बरौनी जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 12:40 पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचती है और 12:50 में ऐसे रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। सातवां स्टॉप है हाजीपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 3 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 3:05 पे ऐसे रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। आठवां स्टॉप है छपरा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम के 5:05 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 5:15 पे ऐसे रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। नौवां स्टॉप है बलिया। यहाँ पर ट्रेन शाम के 6:35 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 6:40 पे ऐसे रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। दसवां स्टॉप है
मऊ जंक्शन यहाँ पटेन शाम के 7:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुँचती है और 7:50 में से रवाना होते हैं। यहाँ पटेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 11वां स्टॉप है आजमगढ़, यहाँ पटेन रात के 8:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है और 8:50 में से रवाना होती है। यहाँ पटेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 12वां स्टॉप है शाहगंज जंक्शन, यहाँ पटेन रात के 10:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँचती है और 11:05 में से रवाना होते हैं। यहाँ पटेन का 25 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन का रेक रिवर्सल होता है। 13वां स्टॉप है अयोध्या कैंट, यहाँ पर ट्रेन रात के 1:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है और 2 बजे यहाँ से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 14वां स्टॉप है रुदौली, यहाँ पर ट्रेन रात के 2:36 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है और 2:38 में से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 15वां स्टॉप है लखनऊ चारबाग, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 4:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुँचती है और 4:55 से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। 16वां स्टॉप है शाहजहांपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 7:21 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुँचती है और 7:23 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 17वां स्टॉप बरेली जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 8:23 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है और 8:25 से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 18वां स्टॉप है मुरादाबाद जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 10 बजे पहुँचती है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और 10:08 से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है। 19वां स्टॉप है ओल्ड दिल्ली जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 1:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुँचती है और 1:30 से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। 20वां स्टॉप है दिल्ली सराय रोहिल्ला, यहाँ पर ट्रेन स्टॉप और 5:19 से रवाना होते हैं पटेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 27वां स्टॉप है जयपुर जंक्शन, यहाँ पटेन शाम के 7 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है और 7:10 से रवाना होते हैं। पटेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। 28वां स्टॉप है फुलेरा जंक्शन, यहाँ पटेन शाम के 7:52 प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचती है और 7:54 से रवाना होते हैं। पटेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 29वां स्टॉप पर ट्रेन का डेस्टिनेशन है अजमेर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन आपको रात के 9:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा देती है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।